अपना परिचय प्रस्तुत करता हूँ। मैं आसाराम मीणा, ग्राम जालिमगंज, तहसील धोनी, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनजारी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ, मैं जन सरोकार मंच और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन टोंक का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और अपने मंच पर रचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। और भाई कन्हैया लाल जी मीणा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट टोंक में जो व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, उनका विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने देवेंद्र जी जोशी जी सर से विशेष आग्रह करके मुझे मंच पर लाने का कार्य करवाया। वैसे मंच पर लाइव आने का अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी विद्वान लोग अपना आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। अब मैं अपनी एक रचना, जो कि एक घटना हुई थी 8-10 दिन पहले, जिसको आज लिपिबद्ध किया है। कोई छोटी सी घटना थी, कोई ततैया जो दीमक वगैरह जो दीवारों पर लग जाती हैं उसके ऊपर है। रचना का शीर्षक है ततैया। एक दिन, रचना इस प्रकार है, एक दिन मैं कंप्यूटर पर कर रहा था कुछ काम, ऑनलाइन सूचना का कर रहा था काम तमाम। एक दिन मैं कंप्यूटर पर कर रहा था कुछ काम, ऑनलाइन सूचना का कर रहा था काम तमाम। एक ततैया कान के पास आता बार बार, एक ततैया कान के पास आता बार बार, काम करने की तल्लीनता को कर रहा था तार तार। फिर भी कान के पास आकर वह करता रहा निरंतर जाप। टेबल की दराज के पास जब गई मेरी नजर, टेबल की दराज के पास जब गई मेरी नजर, वहीं पर उसने बना रखा था अपना घर, जो छोटा सा मिट्टी का होता है, छत्ता टाइप, जिसको छत्ता कहते हैं, वो टेबल के ऊपर उसने बना रखा था। मुझे उस समय आया क्रोध भरपूर, पकड़ में आ जाए तो मानो मैं कर दूं चकनाचूर। मैं समझा कि इस सत्य के कारण ये बार बार आता और छत्ते के विस्तार हेतु बार बार मिट्टी लाता, छत्ते के विस्तार हेतु बार बार मिट्टी लाता। मैं उठा गुस्से में होकर लाल, मैं जो कोई जरूरी कार्य निपटा रहा था कंप्यूटर पर, तो उस तत्व की वजह से ध्यान भंग हो गया, तो मैं उठा गुस्से में होकर लाल, बाहर से एक हसिया उठाई और किया छत्ते को हलाल। मैं उठा और उस छत्ते को हसिये से बिल्कुल पूरी तरह उसको तोड़फोड़ कर नीचे गिरा दिया। छत्ता गिरा जमीन पर, लट निकली 8-10। छत्ता गिरा जमीन पर, लट निकली 8-10। ततैया हो गया बेहाल, उसका नहीं था खुद पर कोई बस। अब मैं समझा
अब मैं समझा कि उसके इस अपराध पर मैंने क्या कर दिया। उसके बच्चों सहित उसका पूरा घर ही मिटा दिया। अब मैं समझा कि उसके अपराध पर मैंने क्या कर दिया। उसके बच्चों सहित उसका पूरा घर ही मिटा दिया। तो वो क्या है कि अपने लिए तो वो एक कचरा था, जबकि उसके लिए बड़ी मेहनत से बनाया हुआ घर था, और उसमें उसके लटों के रूप में छोटे छोटे बच्चे थे। अब उसका कभी इधर तो कभी उधर भरमाना, कभी लटों के पास जाना, कभी टूटे छत्ते पर बैठना। वो लटे अपने लिए थी, लट उसके लिए थे, बच्चे प्यारे उसके सपनों का संसार थे, और प्रिय थे उसके दुलारे। कितने अरमानों से वो एक-एक कण मिट्टी लाता होगा, अपने बच्चों के लिए पोषण सामग्री जुटाता होगा। तो इस प्रकार उस ततैये के लिए तो वो घर एक तरीके से बड़ी मेहनत से बनाया हुआ था, और मैं अपने छोटे से डिस्टर्ब की वजह से, छोटे से व्यवधान की वजह से उसके पूरे अरमानों को मैंने मिट्टी में मिला दिया था। मेरा सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया, जब उसमें अंतर्निहित भाव मेरे मन में उतर गया। अब मैं कंप्यूटर से उठा और महसूस किया अपने को ठगा। मैं कंप्यूटर से उठा और अपने को महसूस किया ठगा, और पेन उठाकर फिर आसाराम नई रचना में लगा। तो मेरी इस रचना से आशय यह है कि कभी हम केवल एकांगी सोच, एकांगी विचार के कारण दूसरे की मनोभावनाओं को नहीं समझते हुए कुछ गलत कर बैठते हैं, जबकि हमें पूरी तरह जबकि हमें पूरी तरह दूसरे की मनोभावनाओं को समझते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए। अब मैं अपनी दूसरी रचना पर आता हूं, जो कि मैंने दूसरी रचना जिसका शीर्षक है ममता मई धरा और भटके मनुष्य। ममता मई धरा और भटके मनुष्य। तो इस कविता में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये धरती माता हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, ये पूरी ममता हम पर लुटाती है। हमारे भारतवर्ष में धरती कोई नहीं, इसमें जो नदियां हैं इनको भी मातृवत देखा गया है। गंगा माता, यमुना माता, इन सब शब्दों से नदियों में भी हमने मातृ स्वरूप देखा है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का सिद्धांत हमारे भारतीय दर्शन का है, लेकिन पश्चिम के अमर्यादित उपभोगवादी दृष्टिकोण सृष्टि के लिए घातक है। और इसके परिणाम हमें समय समय पर अनेक बार भुगतने पड़े हैं, जो कि भूकंप, बाढ़ आदि के रूप में होते हैं। अब इनके रूप में तो मिलते हैं, अगर यही इसी प्रकार दोहन और शोषण चलता रहा तो कभी भयंकर विध्वंसकारी पल्ले के रूप में भी हमें देखने को मिल सकता है। कविता का भाव यह है कि यह धरती
हम पर इतनी ममता लुटाती है, हमें भी इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये क्रोधित होगी जो मानव क्या संपूर्ण प्राणियों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो रचना इस प्रकार है, ममता मई धरा और बटके मनुष्य। तो इसको मैंने थोड़ा गेयात्मक रूप से रचने का प्रयास किया है। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा, ममता मई वसुंधरा, ममता मई वसुंधरा। दुख की आहट अपने पुत्रों की जब सुनाई दे जाती है, झरनों की कल कल में देखो मधुर रागिनी गाती है। दुख की आहट अपने पुत्रों की जब सुनाई दे जाती है, झरनों की कल कल में देखो मधुर रागिनी गाती है। खेतों और खलियानों में फसलें जब लहराती हैं, कर श्रृंगार मनु बैठी सज धज खुशी के बिगुल बजाती हैं। देख के रचना धरती माता की, देख के रचना धरती माता की, मन हो जाता हरा भरा, ममता मई वसुंधरा, ममता मई वसुंधरा। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा। थोड़ा समझ चाहता हूँ, थोड़ा व्यवधान हो रहा था। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा, ममता मई वसुंधरा। बाग बगीचों में जब मधुर खुशबू महकाती है, पक्षियों की कलरव ध्वनि चौदिस में छा जाती है। उमड़ घुमड़ जब बादल नभ में अमृत जल बरसाते हैं, मयूर नाचते होकर मगन मन मानो गीत खुशी के गाते हैं। खुशी से लुटाती अपनी संपत्ति, खुशी से लुटाती अपनी संपत्ति, खिल उठती देखो यह धरा, ममता मई वसुंधरा, ममता मई वसुंधरा। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा, ममता मई वसुंधरा। आज मनुष्य स्वार्थ पूरित होकर कर रहा देखो दोहन अपार, कभी खनन कभी जंगल कटाई कर रहा देखो चोट अपार। प्रेम भाव को त्याग कर बना रहा हथियार, राग द्वेष को गले लगा रहा छोड़ रहा देखो पर उपकार। मर्यादित उपभोग किया नहीं, मर्यादित उपभोग किया नहीं, श्रम न बाकी इसमें जरा, ममता मई वसुंधरा, ममता मई वसुंधरा। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा, ममता मई वसुंधरा। एक अकेला अमेरिका
करता 14% प्रदूषण, फिर भी ज्ञान विश्व को देता, कैसे होगा अब यह कम। जिसे वन देश कर रहे जग में आधे से ज्यादा प्रदूषण, अमर्यादित उपभोग करने से बिगड़ जाता है संतुलन। सब बिगाड़ यूरोप अमेरिका, सब बिगाड़ यूरोप अमेरिका, अब बन रहा है देखो खरा ममता मई वसुंधरा। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा ममता मई वसुंधरा। सब प्राणियों का पोषण करती ये धरती माता, उस माता का कर रहा शोषण, जिससे सब कुछ है पाता। भूकंप कोरोना बाढ़ विभीषिका, उसके क्रोध का परिणाम है, समय समय पर भोगना पड़ता सब कोई अंजाम है। प्रकृति का देख प्रकोप अब, प्रकृति का देख प्रकोप अब, मानव रहा डरा डरा ममता मई वसु, करो सदा उपकार, मर्यादित उपभोग कर विचार, मर्यादित उपभोग करो यही सनातन विचार। रासायनिक खाद का बंद करो प्रयोग, उर्वर शक्ति बढ़े फ्री बने शुद्ध फसलों का योग। आसाराम यूं कहता सबसे, आसाराम यूं कहता सबसे, याद करो अपनी परंपरा ममता मई वसुंधरा, ममता मई वसुंधरा। सब कुछ देती अपने पुत्रों को, आंचल रहता सदा भरा ममता मई वसुंधरा। तो ये रचना धरती माता के ऊपर थी, और अब एक और रचना है जो मैं आप सभी के समक्ष पेश कर रहा हूँ, जो अभी वर्तमान समय में जो ये महामारी आई थी कोरोना, इसके ऊपर लिखी गई थी। तो इस रचना में मैंने कोरोना को ही संबोधित करते हुए लिखा है कि हे कोरोना, हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना, हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। तू अकस्मात ही नहीं आया होगा, तू अकस्मात ही नहीं आया होगा, प्रकृति ने मानव निर्मित कष्टों को सहा होगा, प्रकृति ने मानव निर्मित कष्टों को सहा होगा। कभी वृक्षों की कटाई, कभी पत्थरों का उत्खनन, कभी अतुलित कीटनाशक प्रयोग, कभी जंगली पशु पक्षियों का हनन, इसे देखकर धरती माता को आया होगा रोना, इसे देखकर धरती माता को आया होगा रोना। हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। यह नहीं है शीघ्र उत्पन्न हुई महामारी, यह नहीं है शीघ्र उत्पन्न हुई महामारी, वर्षों से सुलग रही होगी धरती माता के सीने में चिंगारी। कारखानों के कचरों का नहीं किया विचार, कारखानों के कचरों का नहीं किया विचार, प्रेम सद्भाव को त्याग कर बनाने लगा हथियार, प्रेम सद्भाव को त्याग कर बनाने लगा हथियार। छोड़ा नहीं मानव ने गर्व के भार को ढोना, हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना।
वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में मानव हुआ अंधा, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में मानव हुआ अंधा, बनता जा रहा अब खुद के ही गले का फंदा, बनता जा रहा अब खुद के ही गले का फंदा। आज प्रकृति ने मानव के गर्व को मार भगाया है, आज प्रकृति ने मानव के गर्व को मार भगाया है। असंख्य परमाणु बमों वो लड़ाकू विमानों को सूक्ष्म वायरस ने नीचा दिखाया है। चुन लिए मानव ने कंकर, जबकि ये धरती उगलती सोना है कोरोना। तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। तू क्या है और किस लिए आया है, तू क्या है और किस लिए आया है? भीषण नरसंहार करने या संतुलन बिठाने आया है? भीषण नरसंहार करने या प्रकृति का संतुलन बिठाने आया है? चीन से उत्पन्न होना सत्य होने पर भी है एक भ्रम, चीन से उत्पन्न होना सत्य होने पर भी लगता है एक भ्रम। होता है ऐसा जब जब भी बिगड़ता है प्रकृति का संतुलन, होता है ऐसा जब जब भी बिगड़ता है प्रकृति का संतुलन। किया खिलवाड़ मानव ने अब खुद बना खिलौना है कोरोना। तेरे आगे विश्व का विज्ञान कौन? तू सही है या गलत समझ नहीं पा रहा मन, तू सही है या गलत समझ नहीं पा रहा मन। एक तरफ दहशत अपार, एक तरफ संतुलन, एक तरफ दहशत अपार तो एक तरफ संतुलन। ये जो तेरे भय से यातायात रुका है हे कोरोना, ये जो तेरे भय से यातायात रुका है, प्रदूषण में हुई कमी और ओजोन से घटा है। संपूर्ण विश्व को अनेक क्षेत्रों में बहुत कुछ पड़ा है खोना हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। आज शहरों में चारों ओर व्याप्त है सन्नाटा, आज शहरों में चारों ओर व्याप्त है सन्नाटा। लोग गांवों में कर रहे कूच, शहरों को कर रहे टाटा। लोग गांवों में कर रहे कूच, शहरों को कर रहे टाटा। एक बार फिर सनातन संस्कृति को देखा जा रहा है और घर के सभी सदस्यों को एक साथ बातें करते हुए देखा जा रहा है। देख रही अब सारी दुनिया प्रकृति का संतुलित होना है कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। प्रकृति में ही हमारे मनीषियों ने ईश्वर को देखा था, प्रकृति में ही हमारे मनीषियों ने ईश्वर को देखा था। सूर्य चंद्र अग्नि वायु आदि में देवों का स्वरूप निरखा था। पीपल तुलसी की होती थी यहां पूजा, अब संपूर्ण संसार में मच रहा रोना धोना हे कोरोना, हे कोरोना, तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। अब थोड़ी मेरी विनती लास्ट में, अब सरकार के निर्देशों पर अमल कीजिए। छोटी छोटी जरूरतों के लिए घर से बाहर मत निकला कीजिए। वार्तालाप में दूरी और चेहरे पर मास्क लगाइए। सहयोग करो प्रशासन का, स्वयं ही मत ठगाइए।
घर पर सोते रहो निर्भय नींद, बिछा खाट पर बिछोना, हे कोरोना तेरे आगे विश्व का विज्ञान बोना। प्रेम व्यवहार भाईचारा अपनाओ, भुलाओ राग द्वेष। प्रेम व्यवहार भाईचारा अपनाओ, भुलाओ राग द्वेष। जीना कम ही संसार में, मत रखो कपटी भेष। जीना कम ही संसार में, मत रखो कपटी भेष। जियो और जीने दो भावना से ही, विश्व का होगा भला। जियो और जीने दो की भावना से ही, विश्व का होगा भला। आपसी वेमनसे से पतन निश्चित, भले ही कितनी ही अपनाओ कला। आपसी वेमनसे से पतन निश्चित, भले ही कितनी ही अपनाओ कला। आसाराम अब शुरू करो बीज प्रेम के बोना, हे कोरोना तेरे आगे विश्व का विज्ञान। एक बार फिर जनसरोकार मंच और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।